हेलो हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। और काशी डी घूमने के बाद मैं सीधा चले गए आदित्यपुर। तो ये आदित्यपुर का पंडाल है, मलखान सिंह का पंडाल, जो कि हमारे जमशेदपुर का मोस्ट पॉपुलर पंडाल है। बहुत ही नामी पंडाल है मलखान सिंह का, इसलिए यहाँ पे ना और सब पंडाल से यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। मतलब यहाँ फर्स्ट दिन से ही भीड़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए। और आदित्यपुर में दो पंडाल था, तो मैं दोनों पंडाल में गई थी। तो ये दोनों आदित्यपुर का ही पंडाल है। यहाँ से हम लोग यहाँ से एंटर किए हैं, तो ये अंदर घुसते हुए गुफा के अंदर, तो गुफा जैसे बना हुआ है। तो घुसते साथ ही आपको दुर्गा माँ का दर्शन हो जाएगा, फिर निकलते साथ फिर दुर्गा माँ का दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ तीन तीन दुर्गा माँ का मूर्ति रखा हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये हमारे जमशेदपुर का मतलब नामी ही पंडाल है, मलखान सिंह पंडाल। और यहाँ देखे ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भीड़ था ना, जब ठेला ठेली हो रहा था। तो बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाए और अंदर गए थे, तो इसी में बहुत ही लेट हो गया था। और ये देखिए, ये अंदर का है, तो जितना अच्छा आपको बाहर में दिखेगा उतना अच्छा अंदर भी दिखेगा। तो आप लोग माँ का भी दर्शन कर लीजिएगा। माँ का भी प्रतिमा था ना, वो भी बहुत ही सुंदर था।
और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं ना फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट मी, फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट मी। और किनारे किनारे ना बहुत सारा पौधा लगा हुआ था, तो कहीं लौकी का भी पौधा लगा हुआ था, मकई का लगा हुआ था, तो देख और उसमें बत्ती लगा हुआ था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। बहुत जगह में लौकी कोहड़ा का भी पौधा लगा हुआ था। और ये देखिए, ये बाहर हम लोग बाहर निकल गए हैं तो बाहर में भी इस तरह से लगा हुआ है। और भीड़ देखिए आप लोग, भीड़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आप लोग को। ये देखिए यहाँ से सब घुस रहे हैं अंदर, और एक साइड से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और भीड़ देखिए आप लोग, भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पूरा लाइट लगा तो ये अच्छा भी लग रहा है देखने। और पंडाल से बाहर हम लोग निकलेंगे तो आपको सीधा चिड़िया सब पर आपको दर्शन होगा, तो रंग बिरंगा चिड़िया भी रखा हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमारे यहाँ जितने भी पंडाल बने हैं ना, सब जगह मेला लगा हुआ है। हर एक पंडाल के आगे में मेला लगा हुआ है। हर एक पंडाल के आगे आपको झूला से लेकर खाने पीने सामान सब कुछ आपको दिखेगा। मतलब दुर्गा पूजा आने से हमारा पूरा जमशेदपुर रौनक ही हो जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखा जाता, यहाँ सब मतलब सभी कोई आते हैं घूमने के लिए। यहाँ तक कि बोलते ही जो दुर्गा पूजा हमारा है हिंदुओं लोग का पर्व है, लेकिन इसको मुस्लिम लोग भी इंजॉय करते हैं पूरा, और क्रिश्चन भी इंजॉय करते हैं। ये नहीं कि खाली हिंदू ही लोग घूमते हैं, मुस्लिम सब भी घूमते हैं। तो ये देखिए बाहर आपको चिड़िया सब दिखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला पंडाल में गए, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। आदित्यपुर में आदित्यपुर में तीन पंडाल था, तीन से चार पंडाल, तो हम लोग दो पंडाल में घूमे, और एक पंडाल हम लोग दसवीं का दिन घूमे थे। और ये हम लोग निकले बाहर, और बाहर का लाइटिंग देखिए, लाइटिंग तो यहाँ एक से एक होता है। इतना अच्छा अच्छा आपको लाइटिंग यहाँ देखने को मिलेगा ना। ये देखिए, ये हम लोग जा रहे हैं दूसरा पंडाल के अंदर, ये भी आदित्यपुर में ही है, इमली चौक, हाँ शायद इमली चौक के आगे। तो ये देखिए, ये है आदित्यपुर का दूसरा पंडाल, तो यहाँ हम लोग उसी के अंदर। तो आपको ना अंदर में बहुत बड़ा झूमर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बड़ा, मेरा जो रूम है ना वो रूम से तो बहुत ही बड़ा झूमर था। मेरा रूम तो बहुत छोटा ही है, उससे भी बड़ा मतलब झूमर था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, और झूमर भी देख के अच्छा लग रहा था। बहुत बड़ा मतलब जितना बड़ा पंडाल बना हुआ था ना, पूरा अंदर कैप्चर था झूमर। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड प्लीज़, और आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए।
तो आप लोग भी कर लीजिए माता का दर्शन। तो यहाँ से फिर हम लोग बाहर निकलेंगे ना, तो आपको होगा भूतों का दर्शन। तो बाहर में इस पंडाल में हर एक साल बाहर में भूत मतलब बनाते हैं, तो अच्छा जो कि अच्छा लगता है देखने में। आप लोग प्लीज़ वीडियो एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए अनुज यहाँ पे थक गया है, तो उनके पापा ले लिए हैं उनको गोदी। ये देखिए गोदी में, तो ये बोल रहा था आपको घर जाना है, थक गए हैं, नींद आ रहा है। तो फिर हम लोग और नहीं घूमे, हम लोग सीधा घर चले गए। तो घर में मैं डोसा का बेटर बना के रखी थी, फिर मैं डोसा बनाए और उसको इंजॉय किए खाए चटनी के साथ। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बना था डोसा। तो वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आप लोग भी खा लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर।